बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल मुल्तान एनिमल्स इन्फो। दोस्तों, अगर आप बर्ड्स ब्रीडिंग, मेडिसिन, हेल्थ एंड केयर के टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन पर रहिएगा, उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज आपको मिलती रहें। दोस्तों, हर बार की तरह हम लोग एक बर्ड्स की न्यू शॉप पर मौजूद हैं जिसका नाम जमान बर्ड्स एंड फीड हाउस है और इनके ओनर आदिल जमान भाई हैं। दोस्तों, इनका बेसिक काम बर्ड एसेसरीज का है और माशाल्लाह से मुकम्मल रेंज है एसेसरीज की और अच्छी क्वालिटी की चीजें उन्होंने रखी हुई हैं और बर्ड्स भी इनके पास मौजूद होते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले बर्ड्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शॉप का ओवरव्यू देंगे और जो जो चीजें इनके शॉप पर मौजूद है उसकी वीडियो आपके साथ प्राइजेस के साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं और उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आदिल जमान। हमारी शॉप है जमान बर्ड्स एंड फीड हाउस, MDA चौक मुल्तान, बिलमुकाबिल आगाज बेकरी, फैसल बैंक वाला प्लाजा, जिसके अंदर आपको मिलेंगे परिंदे, उनकी तमाम एसेसरीज, उनके केजेस, उनके स्टिक्स, उनके बॉक्सेस, उनकी हैंड फीड्स, आपको तमाम वैरायटीज हमारे से इजीली मिल सकती हैं, जिसके लिए आप हमारे पास तशरीफ लाएँ। हमारा फ़ोन नंबर है 03123535321, 03225546476। ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के पॉट्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, आपको हर साइज़ के पॉट्स मिल जाएंगे। इनके डिफरेंट प्राइसेस है, जो छोटा पॉट है वो आपको 30 रुपीज़ का मिलेगा, इसके बाद जो बड़ा पॉट है वो आपको मिलेगा 50 रुपीज़ का। इसी में मेरे पास एक ना नॉर्मल क्वालिटी के है, वो 40 रुपीज़ के पॉट्स मिल जाएंगे। इससे नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास है ये फिंचेस, जावाज वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, बॉक्सेस हैं ये, टू के कहते हैं, डबल भी है मेरे पास और सिंगल भी है। डबल वाला जो है वो 200 का है, सिंगल वाला 100 का मिल जाएगा आपको। इन्हीं बॉक्सेस से आगे हम आगे चलते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स हैं, रिंग नेक्स के लिए, पहाड़ी के लिए, ग्रेज के लिए, मकाओस के लिए। इसमें सेरेमिक पॉट्स हैं, ये पीछे वाले जो दोनों हैं ये ग्रीन और ब्लू में, ये बेसिकली यूज़ होते हैं बर्ड के दाने के लिए, पानी के लिए। इनमें क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है, बर्ड इसको उल्टा नहीं सकता है, बर्ड इसको तोड़ नहीं सकता है, ये बड़े साफ़ सुथरे और बड़ा क्वालिटी वो है। इसके साथ ये साइड पर पड़ा हुआ है सॉफ्ट फूड वाला, ये सॉफ्ट फूड के लिए यूज़ हो रहे होते हैं बर्ड को, क्या कहते हैं, इसमें फंगस लगने का कोई डर नहीं है, कोई किसी किस्म का फंगस का इशू नहीं है। ये जो छोटा पॉट है ये आपको 120 रुपये का मिलेगा, बड़े वाला पॉट जो है ये आपको 220 रुपये का मिलेगा। ये आगे स्टील के बर्तन पड़े हुए हैं, ये जी आगे हमारे पास स्टील के बर्तन पड़े हुए हैं, इनके पास इनके भी हमारे पास सारे साइजेस आपको अवेलेबल हैं। डिफरेंट प्राइसेस हैं इनकी, 100 रुपीज़ से लेके ये 200 तक की रेंज में है। इनके साथ आपको होल्डर्स भी मिल जाएंगे और ये विदाउट होल्डर्स भी मिल जाएंगे। आगे ये दो स्टिक होल्डर्स पड़े हुए हैं, ये बेसिकली रिंगनेक वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, स्टिक होल्डर्स उनके स्टिक्स वगैरह को हैंग करने के लिए, उसके अंदर केजेस के अंदर हैंग करने के लिए। ये बेसिकली ग्रिल पॉट्स हैं, बड़े पॉट्स हैं, इसके अंदर जो है ना आप बर्ड को दाना लगा सके, ग्रिल्ड होती है ताकि बर्ड जो है ना दाना ना गिरा सके। ये आगे भी ग्रिल पॉट्स लगे हुए हैं, ये छोटे ग्रिल पॉट्स हैं, इसी में जो ग्रीन वाले हैं ये बड़े वो हैं और वाइट वाले जो है ना वो छोटे ग्रिल पॉट्स हैं। इसका फ़ायदा यही है कि दाना नहीं गिरेगा, बर्ड जो है ना दाना संभाल के, मतलब आपका दाना ज़ाया नहीं होता। ये स्पेसिफिकली बिल्कुल नए बर्तन आए हैं, ये वाले ना ये JJ कंपनी के हैं, ये बहुत अच्छे बर्तन हैं। इनमें डबल ग्रिल, मतलब ग्रिल जो है ना वो दोनों साइडों से फिक्स हो जाती है, लव बर्ड्स के लिए बेस्ट है। जैसे लव बर्ड की आदत है दाना गिराने की, तो इसमें दाना बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, दोनों तरफ से फिक्स्ड होगी ग्रिल, तो जो मर्ज़ी हो जाए लव बर्ड इसको, और दूसरा इसको लव बर्ड काट भी नहीं सकता क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लास्टिक के और बड़े मोटे प्लास्टिक से बने हुए, हार्ड प्लास्टिक है ये। इसकी प्राइस जो है वो आपको मिलेगा ये 70 रुपीज़ ईच। ये मेरे पास दो तरह के ड्रिंकर्स पड़े हुए हैं, ये लार्ज ड्रिंकर है, ये जो लार्ज ड्रिंकर है, और ये साथ ही इसके साथ स्मॉल ड्रिंकर पड़ा हुआ है। जो लार्ज ड्रिंकर है वो अराउंड आपको मिलेगा 90 रुपीज़ का, और जो स्मॉल ड्रिंकर है वो आपको मिलेगा 35 रुपीज़ का, फाइनल प्राइसेस हैं ये। इसके अंदर ये जो ऊपर ग्रीन कलर का बर्तन लगा हुआ है इसको हम डी कहते हैं बेसिकली, ये जो डी है ये आपको 35 ईच की मिलेगी। इसके अंदर मेरे पास दो वैरायटीज है, एक वाइट में पड़ी हुई है और एक ग्रीन में पड़ी हुई है। इसके अलावा ये जो बड़े वाला ड्रिंकर है ये आपको मिलेगा 90 का, और इसी के अंदर साथ ही ऊपर जो छोटे वाला ड्रिंकर है वो आपको मिल जाएगा 35 का। ये साथ हमारे पास इसके जो है ये सॉफ्ट फूड वाले जो ग्रीन कलर का बर्तन है ये आपको मिल जाएगा 25 रुपीज़ ईच। इसके नीचे ये छोटा ग्रिट्स के लिए हैं, ये दोनों बर्तन, एक छोटा है एक बड़ा है। ये जो छोटे वाला ग्रिट के लिए बर्तन है ये आपको मिलेगा 15 रुपये का, और जो बड़े वाला बर्तन है ग्रिट वाला वो आपको मिलेगा 30 रुपये का।
प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसीज के लिए। इसके अलावा इंडोर बर्ड्स को D3 चाहिए होता है, विटामिन D3, ये उसकी भी मकदार को पूरा करते हैं। इसके अलावा ये मल्टीविटा है, मल्टीविटामिन के लिए, इसके अंदर सारी क्वांटिटीज हैं मल्टीविटामिन की। लास्टली हमारे पास फर्टिलिटी के लिए ESC, ये जो है जो कैल्शियम D3 के लिए, हम ये सारी प्रोडक्ट्स जो है लूज में भी दे रहे हैं। जो मैलिक कैल्शियम D3 है ये हम आपको देंगे 350 पर 100 मिलीलीटर जो है ना। उसके अलावा जो मल्टीविटा है ये मैलिक की, ये आपको मिलेगी 250 पर 100 ml के लिए। और जो आपके पास ESC है ये फर्टिलिटी के लिए यूज़ होती है, ये आपकी होगी 350 पर 100 ml। ये जी हमारे पास तीन तरह के थर्मामीटर्स यूज़ हो रहे हैं। एक है जी डिजिटल, उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर वो आउटडोर टेम्परेचर भी देता है, इसके साथ एक वायर होती है इंडोर भी टेम्परेचर देता है, एट अ टाइम आउटडोर टेम्परेचर भी दे रहा होता है। ये जो आपको थर्मामीटर है ये आपको 750 का बेसिकली इसकी प्राइस है, रिटेल प्राइस जो है, लेकिन हम 700 में आपको दे देंगे। साथ जो है ये HTC 1 है, ये बेसिकली सिर्फ इंडोर वो देता है, साथ ह्यूमिडिटी देता है, टाइम देता है। इसकी रिटेल प्राइस 570 है, ये 500 तक आपको मिल जाएगा। लास्टली ये जो है ये नॉर्मल थर्मामीटर्स हैं, जिसको आप मर्करी थर्मामीटर्स भी कहते हैं, ये आपको मिलेगा 150 ईच। अच्छा जी, ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वर्सिलागा के भी इसमें प्रोडक्ट्स हैं, डेली नेचर की प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है ना वीटा फॉर्म की भी प्रोडक्ट्स हैं। ये आपको जो है डेली नेचर जो है ये एग फूड है, ये आपको 1 kg का पैक मिल जाएगा 1600 रुपये का। ये मोरिंगा का पैकेट है, ये आपको मिल जाएगा 1000 रुपीज़ का पैकेट है। ये क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा बर्ड की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी और ब्रीडिंग एड है बेसिकली, ये ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है। इसके बाद आ जाता है फर्टिविट, ये बेसिकली आपके पास क्या कहते हैं वर्सिलागा की प्रोडक्ट है, ये फर्टिलिटी के लिए यूज़ होती है और ये बहुत अरसे से यूज़ हो रही है और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ये हम लूज़ में भी सेल कर रहे हैं, ये हम उसमें क्या कहते हैं आपको पूरा पैक भी मिल जाएगा, ये जिसका पूरा पैक है ये आपको मिलेगा 3100 का। लूज़ में अगर आप हमसे लेना चाहेंगे तो लूज़ में भी आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है कैल्सिलक्स, कैल्सिलक्स जो है ये बेसिकली कैल्शियम सोर्स है, ये भी वर्सिलागा का प्रोडक्ट है, बहुत मशहूर प्रोडक्ट है, बहुत इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है और ये मोस्टली जो इतने भी ब्रीडर्स हैं ना वो इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये आपको लूज़ में मिल जाएगा और क्लोज में भी मिल जाएगा, मतलब आपको बंद पैक्स भी मिल जाएंगे। इसकी रिटेल प्राइस 4100 रुपये है। ये रोनीवेट एस है, रोनीवेट एस जो है बेसिकली कैंकर के लिए यूज़ होती है बर्ड्स में। जब भी बर्ड का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है तो हर ब्रीडर की कोशिश होती है कि वो पहले रोनीवेट एस का क्रॉस करवा ले, सो डेट उसके बर्ड को ड्यूरिंग द सीज़न कोई इशू ना आए कैंकर का। कैंकर का इशू बेसिकली होता है जब आप दाना बर्ड को दे रहे होते हैं ना बाज़ार का दाना, तो वो बाज़ार के दाने की वजह से ना क्या कहते हैं इसको ना खांसी और इस तरह के ना सांस के इश्यूज़ होते हैं। जब वो सांस के इश्यूज़ को रिकवरी के लिए जो है ना ये रोनीवेट एस यूज़ होती है और क्या कहते हैं ये आपको मिल जाएगी 3300 रुपीज़ की। ये भी आपको लूज़ में मिल जाएगी रोनीवेट एस भी। CCC जो है माना ताना जो है एंटीबायोटिक है, ये बड़ा टिका के यूज़ होता है एंटीबायोटिक, ये बड़ा जाना माना एंटीबायोटिक है। ये आपको लूज़ में मिल जाएगा, क्लोज में मिल जाएगा, 3300 रुपये का है ये भी ना क्या कहते हैं CCC जो है। एलोडॉक्स पड़ी हुई है, ये बेसिकली आपके पास एंटीबायोटिक है, ये बर्ड के लिए यूज़ होती है जब बर्ड को कोई इश्यूज़ हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी उसके लिए यूज़ होती है, फर्स्ट स्टेप है बर्ड के लिए ना। फिर उसके बाद ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बेसिकली पोल्ट्री की दवाई है, इकोनॉमिकल दवाई है और क्या कहते हैं 900 रुपये की दवाई है ये, 900 रुपये की दवाई है ये और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद ब्रोमोसेप्ट है, ब्रोमोसेप्ट बेसिकली यूज़ होता है स्प्रेज के लिए, बर्ड केजेस को स्प्रे करने के लिए ब्रोमोसेप्ट यूज़ हो रहा होता है ताकि जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उसको मार दें और किसी किस्म का जो फंगस वगैरह है बर्ड पे सब कुछ, ये बर्ड के लिए भी बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है लेकिन जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरियाज वगैरह उनके लिए बहुत अच्छी है, उनको बहुत अच्छे से किल करती है। ये हम पानी में यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं केजेस के ऊपर बर्ड्स के ऊपर। इसकी बेसिकली 1800 कुछ रुपये रिटेल है लेकिन ये आपको 1750 रुपये की मिल जाएगी। इसके बाद सीविट फोर्ट है, सीविट फोर्ट का बेसिक फंक्शन जो है वो ये है कि जी ये बर्ड के क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, विटामिन सी जो है बर्ड के अंदर उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है जी ये मल्टी विटामिन है, ये भी पोल्ट्री का मल्टी विटामिन है, बहुत इकोनॉमिकल है, 400 रुपये की बॉटल है और बहुत कमाल की इफ़ेक्टिव है ये बॉटल जो है, ये बेसिकली मैं अपने घर में भी यूज़ कर रहा हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं।
इसके बाद सेब का सिरका, एप्पल विनेगर। एप्पल विनेगर जो है वन ऑफ़ द बेस्ट आइटम्स जो कि आपको यूज़ करनी होती है वीकली बेसिस पे बर्ड्स के लिए, ताकि बर्ड का पेट जो है उसको, पेट की जितनी बीमारियां उसको किल कर सके और किसी किस्म का बर्ड स्ट्रेस में ना आए, बर्ड को बहुत अच्छा एक्टिव रखता है। इसके बाद वाइटासोल है, वाइटासोल भी आपका एक वाइटामिन है, वाइटामिन सोर्स है। इसकी रिटेल प्राइस से भी आपको ये कम प्राइस में मिल जाएगी। इसके बाद एविफ्लॉक्सन आ जाती है। एविफ्लॉक्सन जो है वो एक सस्ता एंटीबायोटिक है, मतलब है कि क्या कहते हैं, जैसे आम लोगों ने जिन्होंने एक एक दो दो तीन तीन पेयर रखे हैं ना घर में, ये उनके लिए बेस्ट प्रेफर्ड है, आपके रेंज में आता है और अच्छे इफेक्ट करता है। साथ आपके पास फर्टाइल पड़ा हुआ, फर्टाइल का काम फर्टिविट का वाला ही है, ये फर्टिलिटी को लेके आता है, लेकिन ये इकोनॉमिकल है। जैसे जिन्होंने कम केजेस रखे हुए हैं ना, जिनके पास कम बर्ड्स हैं, ये उनके लिए प्रेफर्ड है। ये हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 4 टाइप्स के ग्रिड्स पड़ी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रिड्स हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये जो येलो वाली ग्रिड है ये आपको मिलेगी 100 की, इसी तरह ग्रीन वाली भी आपको 100 की मिलेगी। एक लाइफलाइन कंपनी की ग्रिड पड़ी हुई है, वो आपको मिल जाएगी 190 की, हाफ के जी मिल जाएगी, और 100 रुपीज़ की 250 ग्राम्स मिल जाएगी। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कैल्शियम ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, हर साइज़ में आपको कैल्शियम ब्लॉक मिल जाएगा, और 20 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ के अराउंड जो है ना, आपको हर साइज़ में हर तरह का कैल्शियम ब्लॉक मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास ब्रीडिंग एड्स के लिए ये जो है ना डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स हैं, ये ब्रीडिंग को इन्हांस करती हैं बर्ड्स को, बर्ड की ब्रीडिंग को। जिनके पास बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत कामयाब सोल्यूशन है, फर्टिलिटी के लिए भी ये बहुत अच्छी हैं, और जो बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा है उसके लिए भी अच्छी हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइमंस कंपनीज के हमारे पास मेडिसन्स अवेलेबल हैं, कॉक्सी के लिए अवेलेबल है, एंटीबायोटिक अवेलेबल है, इसके अंदर डीवॉर्मिंग के लिए अवेलेबल हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हैं, इसके अलावा हमारे पास कफिंग वगैरह, किसी भी किस्म के बर्ड को कोई भी बीमारी होती है ना, उस सब का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज की सारी मेडिसन हमारे पास अवेलेबल है, और ये कंपनी रेट पर आपको मिल जाएंगे, मार्केट रेट से कम प्राइसेस के ऊपर मिल जाएंगे। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हैंड फीड्स भी अवेलेबल हैं, सीटाकस की हमारे पास हाई प्रोटीन हाई एनर्जी भी अवेलेबल है, उसके अलावा हमारे पास एग्जैक्ट की हाई फैट अवेलेबल है, ये हमारे पास लूज़ में भी अवेलेबल हैं, और ये हमारे पास क्या कहते हैं पैकिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। इसी तरह सीटाकस की रिकवरी जो बच्चों को जैसे पोटे भर जाते हैं या बच्चों के अंदर कोई इशूज़ आ जाते हैं नज़ले वगैरह, ये वो ये रिकवरी मेडिसिन वगैरह भी अवेलेबल हैं। हमारे पास क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैचर्स पड़े हुए हैं, ये छोटा कैचर पड़ा हुआ है बर्ड्स को पकड़ने के लिए, ये मीडियम साइज़ पड़ा हुआ है, और ये लार्ज साइज़ पड़ा हुआ है। ये हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस हैं, 50 का मिल जाएगा सबसे छोटा, 70 का मीडियम वाला, 100 रुपीज़ का सबसे बड़े वाला। इसके पीछे ये हमारे पास रिंग होल्डर पड़ा हुआ है, ये आपके जो रिंग्स बन के आते हैं ये इसके अंदर अटैच हो जाते हैं सारे, इसके अंदर रखे जाएंगे, गुम ना हो आप सीक्वेंस में रख सकते हैं। इसके साथ ये सीड होपर पड़ा हुआ है, ये सीड होपर जो है बर्ड्स के दाना पानी करने के लिए है, ये बेसिकली हम ऊपर से ये दाना डालेंगे इसके अंदर, और ये अंदर जो है ना क्या कहते हैं बर्ड दाना ज़ाया नहीं करेंगे, जैसे जैसे खाते जाएंगे वैसे वैसे और दाना अंदर आता जाएगा। इसके बाद ये आगे हमारे पास थैलियाँ पड़ी हुई हैं जिनको हम नेट्स भी कहते हैं, ये बर्ड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस यूज़ हो रहे हैं, बेसिकली जो बॉक्सेस हैं इसमें किकर के बॉक्सेस भी हैं और सिंपल वुडन बॉक्सेस भी हैं। जो किकर के बॉक्सेस हैं ये आपको मिल जाएगा, सबसे पहला बॉक्स किकर में पड़ा हुआ है ये रा के लिए, ये बॉक्स आपको मिल जाएगा 1500 रुपये का। ये हर मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का बॉक्स है, और लाइफ टाइम मतलब आपको एक दफ़ा बॉक्स लेना पड़ेगा, दोबारा बॉक्स नहीं लेना पड़ेगा, बर्ड इसको खा नहीं सकता। सेकंड पे जो है वो भी रा का वो बॉक्स पड़ा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा 1000 रुपीज़ का, ये नॉर्मल लकड़ी में बना हुआ है। इससे आगे जो बॉक्स है वो रिंगनेक का है, वो आपको 750 रुपये का मिल जाएगा, वो भी नॉर्मल लकड़ी में बना हुआ है। और आखिरी बॉक्स जो है वो आपको रिंगनेक का ही है वो बॉक्स भी, और वो बॉक्स किकर में बना हुआ है, वो बॉक्स आपको 1000 रुपीज़ में मिलेगा। पेशेंट्स के लिए बॉक्सेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस पड़े हुए, डिफरेंट स्टाइल्स में पड़े हुए, यहाँ पे हमारे पास 5 से 6 स्टाइल्स हैं, ये आपको ऑर्डर के ऊपर तैयार हो जाएंगे। ये सारे बॉक्सेस एग्जीबिशंस के लिए यूज़ होते हैं, इनके अंदर कनकेव्स वगैरह भी हैं, और इसके अलावा जो है ये बॉक्स आपको मिलेगा 850 का। ये देखें ये बॉक्सेस के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनके अंदर कनकेव्स बनी हुई हैं ताकि जो आपके पास एग्स की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए। ये सारे जो है ना प्लाईवुड के बने हुए हैं और बड़े अच्छे मटेरियल के बने हुए हैं। इसके अलावा ये आगे वाला भी ये पूरी ड्रॉर में है, इसका ये पूरा जो है ना ये बैक खुल जाएगी और ये पूरी ड्रॉर बन जाएगी इस तरह। ये देखें ये अंदर कनकेव्स हैं इसके अंदर, ये आगे स्टिक है इसको लगाने के लिए। ये मटेरियल भी देखें काफ़ी बड़ा बॉक्स है ताकि जो है ना आपका बर्ड ईजिली इसके अंदर बैठ के अंडों को इंक्यूबेट कर सके।
ये सारे बॉक्सेस का स्टाइल सिर्फ डिफरेंट है, पर्पस एक ही है और सब एक ही वुड से बने हुए हैं और एक ही तरह के हैं ये बॉक्सेस। इन सब बॉक्सेस की आपको प्राइसेस जो है ना 850 ईच मिल जाएगा ये बॉक्स जो है ना, और ये ऑर्डर पे तैयार होते हैं तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएंगे जितना भी आपका ऑर्डर होगा। ये हमारे पास दो तरह के नर्सरी बॉक्सेस पड़े हुए हैं। नर्सरी बॉक्सेस का बेसिक पर्पस जो होता है ना वो ये होता है कि बच्चों की सेफ्टी, जब बच्चे सेल्फ होके निकलते हैं ना उसमें से अपने बॉक्सेस में से, तो पेरेंट्स जो कुछ अग्रेसिव हो जाते हैं नेक्स्ट ब्रीड के लिए तो वो अपने बच्चों को मार देते हैं, तो ये जो बॉक्सेस हैं ये बेसिकली उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। इसमें जो छोटे वाला नर्सरी है जो ऊपर पड़ा हुआ है वो आपको मिलेगा 350 का, और जो बड़े वाला है वो आपको मिलेगा 430 का। ये एक नए तरह का बॉक्स बना है, ये बेसिकली यूज़ होता है फिंचेस के लिए और इसके अलावा जावास वगैरह के लिए। ये जितने भी आपके स्पैरो फैमिली है वो इसके अंदर ब्रीड करती है, और ये बॉक्स जो है ये आपको मिल जाएगा गालबन, ये बॉक्स आपको मिल जाएगा 200 रुपीज़ का। बस शो बॉक्स भी अवेलेबल है। शो बॉक्स बेसिकली होता है कि बर्ड की ना प्रैक्टिस करवाने के लिए, ये पर्च पे बैठा रहेगा, शोज़ वगैरह में बर्ड को ना परफॉर्म करना होता है इस पर्च के ऊपर बैठ के ना, उसमें उसने अपना हेड ग्लो स्टांस वगैरह सब कुछ दिखाना होता है। तो ये भी हमारे पास क्वांटिटी में मौजूद हैं, ये आपको जो है ना बॉक्स 1,550 रुपये ईच मिल जाएगा ये बॉक्स जो है ना। ये जी हमारे पास पिक्चर केज अवेलेबल है। पिक्चर केज बेसिकली जो है ना ये बर्ड की तस्वीरें खींचने के लिए, जब आपने बर्ड को सेल करना है ना ये उस टाइम यूज़ होता है। ये क्या कहते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज होता है, डबल बैकग्राउंड है। ये जो बॉक्स है ना आपको ये शो, ये जो पिक्चर केज है ये आपको 3,300 का मिल जाएगा। इसके अंदर लाइट की भी ऑप्शन है, लाइट जलती है बर्ड और क्लियर नज़र आता है। हाँ जी, ये हमारे पास सीड क्लीनर बेसिकली है। ये बेसिकली इसका काम ये होता है कि एक साइड से आप दाना डालते हैं जो बर्ड ने यूज़ किया होता है, वो दाना जो है साफ़ दाना आपके राइट साइड पे इकट्ठा होता जाएगा और लेफ्ट साइड के ऊपर उसके जितने भी वो जो ऊपर छिलके वगैरह ना वो सारे हो जाएंगे, अलहदा अलहदा हो जाएगा। ये सीड क्लीनर स्मॉल साइज़ है, ये आपको मिल जाएगा 3,300 रुपीज़ का। इसके बिल्कुल साथ हमारे पास ये स्टैंड पड़ा हुआ है, इसके ऊपर बर्ड्स बैठते हैं, स्टैंड पर्च कह लें या इसको टॉय पर्च कह लें, कुछ भी कह सकते हैं ये, कहते हैं एट अ टाइम इसके अंदर ना बहुत सारे बर्ड्स जो है ना वो इकट्ठे बैठ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वुडन बॉक्सेस आ जाते हैं, ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बॉक्सेस हैं। इसके अंदर ये जो फर्स्ट पे लगा हुआ एग्जीबिशन के लिए यूज़ होगा, इसके ऊपर वाला भी, ये ऑलमोस्ट सारे ही एग्जीबिशन के लिए यूज़ होंगे और इनकी प्राइस वेरीज करती हैं 800 से लेकर 1,000 रुपये के अंदर अंदर। इसमें आपको थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये आपको कार्गो केज नज़र आ रहा है, कार्गो केजेस मिल जाएंगे आपको 350 ईच के लिहाज से। ऊपर रेडियो स्टाइल में लव बर्ड का बॉक्स पड़ा हुआ है वो आपको 280 का मिल जाएगा। इसके बाद नीचे कॉकटेल का बॉक्स पड़ा हुआ है, जो कॉकटेल का बॉक्स है वो आपको मिल जाएगा 500 रुपये का। उसके ऊपर भी कॉकटेल का बॉक्स पड़ा हुआ है, उसके आगे 500-500 रुपये के बॉक्सेस पड़े हुए हैं एग्जीबिशंस के लिए, वो नॉर्मल रेंज के हैं और वो बड़े साफ़ सुथरे बने हुए हैं, प्लाईवुड में बने हुए हैं। इनके स्टाइल सिंपल, एक पीछे से खिड़की होती है, फिर खिड़की खुलेगी और बस वो अंदर कनकेव एक प्लेट होगी, और ये जो है ये आपको मिल जाएगा 500 रुपये का। ये जी हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टिक्स मौजूद हैं, इसके अंदर कीकर की स्टिक्स भी हैं, इसके अंदर नीम की लकड़ी की भी स्टिक्स हैं, इसके अंदर आम की लकड़ी की भी स्टिक्स हैं, पॉलिश्ड स्टिक्स हैं, रंदा लगी हुई स्टिक्स हैं, राउंड स्टिक्स हैं, उसके अलावा चौरस स्टिक्स हैं, हर तरह की आपको स्टिक्स की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। ये नीम के स्टिक्स जो हैं ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं अलेक्जेंड्राइन के लिए, रिगनेक्स के लिए, ग्रे पैरट्स के लिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि बर्ड इसको एक दफ़ा काटने की कोशिश करेगा वो, ये इतनी लकड़ी जो है कड़वी होती है कि जो बर्ड जो है ना इसको दोबारा बाइट नहीं कर सकता, तो ये बड़ी लाइफ लॉन्ग है, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है और ये जो है ना लंबी चलेंगी। जो पहली 3 स्टिक्स है ना ये नीम की स्टिक्स हैं, ये बेसिकली इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज है। जो सबसे छोटी है वो आपको 100 की मिल जाएगी, उसके बाद वो उसकी डायमेंशन है 2 फुट, अगर आप 2.5 फुट के लेंगे तो वो आपको 120 की मिलेगी, और अगर आप 3 फुट के लेंगे तो आपको 150 रुपये की स्टिक मिलेगी। इसके बाद आ जाएं ये जो नॉर्मल स्टिक्स हैं, ये बेसिकली एग्जीबिशंस के लिए यूज़ होती हैं, बजरी गर्ल्स के लिए यूज़ होती हैं, फ्लाइज में, उनके ब्रीडिंग केजेस में। ये भी कीकर में भी मेरे पास मौजूद है और इसी में मेरे पास आम में भी मौजूद है ये स्टिक। ये क्या कहते हैं बर्ड के लिए बहुत अच्छी है, इनको ऊपर प्रॉपरली रंदे वगैरह लगे हैं ताकि बर्ड के पाँव वगैरह ज़ख्मी वगैरह ना हो। इसके बाद ये राउंड स्टिक जो है ये 2 फीट की डायमेंशन है, ये भी बेसिकली रिंगनेक्स और राज वगैरह के लिए यूज़ होती है, और ये भी बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी हैवी ड्यूटी स्टिक है। ये जो स्टिक है ये आपको मिलेगी 70 रुपीज़ की एक। ये कीकर की नेचुरल स्टिक है, ये बेसिकली नेचुरली बनी हुई है, ये इसके अंदर कोई किसी किस्म की इसके ऊपर जो ऊपर स्किन लगी है वो भी नेचुरल है, कीकर की स्किन है। ये आपको 120 की स्टिक मिलेगी, ये 2 फुट में भी मिल जाएगी आपको, 2.5 फुट में मिल जाएगी, 3 फुट में भी मिल जाएगी।
उसके बाद आ जाएं ये एग्जीबिशन के लिए। बेसिकली प्रॉपर एग्जीबिशन की स्टिक यूज़ होती है, ये साफ़ भी हो जाती है, इसके ऊपर आप एक दफ़ा साफ़ करें तो ये प्रॉपरली साफ़ हो जाएगी। ये स्टिक बड़ी लाइफ लॉन्ग है, बर्ड इसको खा भी नहीं सकता है, बहुत अच्छी स्टिक है। ये स्टिक आपको मिल जाएगी, ये वाली जो स्टिक है ना ये आपको मिल जाएगी 30 रुपीज़ की। इसी तरह ये आगे पॉलिश स्टिक है, ये पॉलिश स्टिक है, ये स्पेशली बनाई गई है, ये सिर्फ़ इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है पूरे मुल्तान में। ये आपको जो स्टिक है 70 रुपीज़ की मिलेगी। ये प्रॉपरली रंदा लगा हुआ पॉलिश हुए राउंड बनी हुई स्टिक्स हैं। इसके अलावा ये 20-20 रुपए की स्टिक मिल जाएगी आपको, आम की लकड़ी की बनी हुई है, 1.5 फुट की, नॉर्मली यही यूज़ होती है, नॉर्मली ब्रीडर्स इसी को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद ये पर्च आ जाती है, ये भी नेचुरल कीकर की बनी हुई है, 8 इंच इसकी डायमेंशन है, ये स्क्रू के साथ है, ये आपको स्क्रू के साथ इसी तरह जो है ना ये आपको मिल जाएगी 90 रुपीज़ की। मिलट्स अवेलेबल हैं, ये रेड मिलट्स हैं और साथ वाइट मिलट्स हैं। बेसिकली मिलट्स का काम ये होता है कि ये छोटे बच्चों में यूज़ होते हैं, जब बच्चे सेल्फ हो रहे होते हैं ना बॉक्सेस के अंदर होते हैं, तो ये हम डालते हैं कि फीमेल जो है वहीं से ही खा के फूड फीड कराए और बच्चों को भी खाना पिलाना सिखाए, इससे बच्चों की हेल्थ जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। ये मिलट्स जो हैं आपको रेड मिलट्स जो हैं वो 800 kg मिलेंगे, और इसके अलावा जो येलो वाले हैं वो आपको 700 per kg मिलेंगे मिलट्स जो है ना। ये सारा फ्रेश स्टॉक है, ये अभी आया है बिल्कुल ना। ये जी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नेस्टिंग मटेरियल्स हैं पड़े लव बर्ड्स के लिए हैं, उसके अलावा ये जावा फिंचेस वगैरह के लिए हैं, उसके अलावा हमारे पास नेस्टिंग मटेरियल एग्जीबिशंस के लिए हैं, होगोस के लिए हैं, रिंगनेक्स के लिए हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कोकोनट हेयर्स पड़े हुए हैं, ये बेसिकली यूज़ है डिफरेंट दो पैकिंग्स हैं इनकी, 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की पैकिंग है। ये जावास फिंचेस वगैरह में यूज़ होती है, जितनी भी स्पैरो फैमिली है उसके लिए ये बेस्ट है। उसके बाद ये नीचे आ जाता है, ये जो है ये लव बर्ड्स के लिए यूज़ होता है ये नेस्टिंग मटेरियल। ऊपर ये वुड शेव्स हैं, वुड शेव्स भी ये इम्पोर्टेड वुड के हैं, केल के हैं ये बेसिकली, इनकी खुशबू वगैरह भी बहुत अच्छी है, बर्ड बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है और बहुत ज़्यादा खुशी से जो है ना क्या कहते हैं इसको यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा ये मुंज पड़ी हुई है, ये भी लव बर्ड्स में यूज़ हो रही होती है मुंज, ये 160 रुपीज़ kg आपको मिल जाएगी। बर्ड्स के ये बेसिकली है बड़े बर्ड के लिए, ग्रे बर्ड, ग्रे पैरट्स और पहाड़ी वगैरह के लिए यूज़ होता है इसमें मूंगफली, इसके अंदर छोटी सूरजमुखी, बड़ी सूरजमुखी, जोडल, जवी और कनाफ, बाजरा, कनेरी भी है थोड़ी बहुत इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास है खुर्दम है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके ये मैंने खुद दाना बनवाया हुआ है, ये आपको मिलेगा 120 रुपये किलो। इसके बाद अगला दाना जो है वो हमारे पास है जो बेसिकली रिंगनेक्स के लिए यूज़ होता है और लवबर्ड्स के लिए यूज़ होता है, इसके अंदर जोडल, जवी वगैरह जो है ना सारा कुछ है। इसके अलावा खुर्दम है, बाजरा है, धान है, इस तरह की ना सारी मुख्तलिफ चीज़, अलसी है, ये हर चीज़ जो है ना इसके अंदर मिक्स है। ये दाना जो है आपको 100 रुपये किलो मिलेगा। इसके बाद ये हमारे पास जोडल है, साफ़ सुथरी जोडल है, बिल्कुल दाना बिल्कुल साफ़ है और बड़ा दाना है, ये आपको 100 रुपये किलो मिलेगी। इससे आगे आ जाएं तो ये आपको कनफ है, कनफ का बीज जो है ये इम्पोर्टेड बीज है, ये 120 रुपये किलो मिलेगा आपको। ये छोटी सूरजमुखी है, छोटी सूरजमुखी आपको 100 रुपये किलो मिलेगी, ये क्या कहते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी अच्छा दाना है, साफ़ सुथरा दाना है। इसके बाद आ जाएं ये बाजरा है, ये कमर का बाजरा है, ये कमर का बाजरा आपको 100 रुपये किलो मिल जाएगा। ये कबूतरों का दाना है, ये अच्छा दाना है, इसके अंदर तकरीबन 17-18 किस्म की चीज़ें मिक्स की हुई हैं, ये आपको 60 रुपये किलो मिलेगा ये दाना। ये आगे आ जाएं जी तो ये आगे है कश्मीरी बाजरा कहलाता है, ये कश्मीरी बाजरा है, ये आपको मिलेगा 60 रुपये किलो। ये खुर्दम है, खुर्दम आपको मिलेगी, हाँ जी ये खुर्दम है, ये आपको मिलेगी 160 रुपये किलो। इसके अलावा आगे आ जाएंगे तो आगे आपको मिलेगी कनेरी है, कनेरी सीड्स जो हैं ये आपको मिलेगा 170 रुपये किलो, कनेरी सीड मिल जाएगा आपको। इससे आगे ये लाल कंगनी पड़ी हुई है, ये लाल कंगनी जो है आपको मिल जाएगी 140 रुपये किलो, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंगनी है, 210 रुपये किलो आपको मिल जाएगा। आगे ये बड़े सूरजमुखी का, ईरानी सूरजमुखी का बीज आपको मिलेगा 210 रुपये किलो। इसके साथ आगे मुर्गियों की फीड पड़ी हुई है, ये मुर्गियों की फीड आपको मिल जाएगी 80 रुपये किलो। ये हमारे पास हाइब्रिड बाजरा भी अवेलेबल है, ये 60 रुपये किलो है हाइब्रिड बाजरा, ये इसको हम बेसिकली देसी बाजरा भी कहते हैं, इसको फार्मी बाजरा भी कहा जाता है, इसके बहुत सारे नाम हैं, ये आपको मिलेगा 60 रुपये किलो। से आए आ जाए ये इम्पोर्टेड कंगनी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी बड़ा खूबसूरत सा दाना है इसका, ये कंगनी आपको मिलेगी 130 रुपये किलो।
ये तोतों का मिक्स दाना है बजरी गर्स का, ये बजरी गर का दाना आपको मिलेगा 80 रुपये किलो। इसके आगे ये कबूतरों का दाना है, ये बड़ा अच्छा खूबसूरत दाना बना हुआ है, साफ़ सुथरा, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है दाने के अंदर, ये आपको मिल जाएगा जे 50 रुपये किलो। इससे आगे गोल कंगनी पड़ी हुई है, ये आपको मिलेगी 170 रुपये किलो। ये बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छा दाना है, मोटा दाना है, इम्पोर्टेड कंगनी है ये गोल, ये 170 रुपये किलो मिलेगी। ये आगे आ जाइए, ये चीना है, चीना आपको मिलेगा 90 रुपये किलो, साफ़ सुथरा मोटा दाना है चीने का, ये आपको मिलेगा 90 रुपये किलो। ये मटरी आपको मिलेगी 100 रुपये किलो। इससे आगे आ जाएं तो ये जवार है, जवार आपको मिलेगा 90 रुपये किलो। उससे आगे आ जाएंगे तो ये है जी मटरा, मटरा भी आपको 100 रुपये किलो मिलेगा। आगे चले जाएं चना, चना आपको 110 रुपये किलो मिलेगा, साफ़ सुथरा चना। इसके आगे आ जाएं मकई जो है, ये आपको मिलेगी 50 रुपये किलो, ये कटी हुई मकई है, साफ़ सुथरी मकई। और इससे आगे आ जाएं तो ये हमारे पास सरसों पड़ा हुआ है, सरसों आपको मिलेगा 100 रुपये किलो। ये जी सारिब कंपनी के केजेज़ अवेलेबल हैं, हर तरह का हर साइज़ का केज आपको मिल जाएगा। फोल्डिंग में ये केजेज़ हैं, आपको बने हुए भी मिल जाएंगे, फोल्ड हुए भी मिल जाएंगे, कार्गोज भी इनकी अवेलेबल है। इनकी प्राइसेस जो है वो 600 से स्टार्ट होती है। अब जैसे ये वाला जो केज है ये आपको मिल जाएगा 900 का, और इसके अलावा इससे जो बड़ा केज है वो आपको मिल जाएगा 1200 का। इससे छोटे केजेज भी अवेलेबल हैं, उससे बड़े भी अवेलेबल हैं हमारे पास। हाँ जी, ये जो केजेज हैं ये केजेज बड़े केजेज हैं काफ़ी, इनकी लेंथ जो है और इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ये केजेज आपको 1200 ईच मिल जाएगा। पास हर तरह के केजेज अवेलेबल हैं, आपको फिक्स केजेस चाहिए, उसके अलावा अगर आपको फोल्डिंग केजेस चाहिए, फिक्स केजेस जो है ना, ये 2x1.5 का एक केज है, इसको खैर मैंने तो एज एक्सेसरी होल्डर यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये केजेस आपको मिल जाएंगे अराउंड 5500 ईच। इसकी डायमेंशन है, 2 फ्रंट है इसका और 1.5 इसकी बैक है। इसी तरह का केज आपको फोल्डिंग में भी मिल जाएगा, वो आपको 5000 रुपये का मिलेगा, उसके भी सेम डायमेंशन होगी, फोल्डिंग का हर पोर्शन एक दूसरे के ऊपर फिक्स होता जाएगा। ये जी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें लव बर्ड्स होते हैं, कॉकटेल्स होते हैं, एग्जीबिशंस हो, ग्रोमोस, काठे वगैरह। ये पर्सनाटस के 2 बॉन्डेड पेयर्स पड़े हुए हैं, 110% बॉन्डेड पेयर हैं। इस तरह के पेयर्स आपको मिल जाएंगे 3500 ईच पेयर, हर पेयर जो है 3500 रुपये का मिल जाएगा। पर्सनाटा का मेल है और अल्बाइनो के फीमेल है, ये भी बॉन्डेड पेयर है, पहली दफ़ा ब्रीड करेगा, बिल्कुल कंफर्म मतलब बॉन्डेड पेयर है, आपस में क्रॉसिंग भी हो रही है। ये पेयर आपको मिल जाएगा 4000 का। ये हमारे पास होग्रोमोस के पेयर हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट होग्रोमोस हैं, ब्लैक आइज भी हैं, रेड आइज भी हैं, इसके अलावा सैनेमन हैं, स्पेंगल्स हैं, डबल फैक्टर्स हैं, ओपलाइंस हैं, नॉर्मल मार्किंग्स हैं। ये आपको 3500 रुपये का ब्लैक आइज का पेयर मिल जाएगा, येलो स्पेंगल्स भी पड़े हुए हैं मेरे पास। अल्बाइनो का पेयर जो है आपको 6000 रुपये का मिल जाएगा, इसके अलावा सैनेमन बर्ड जो है वो आपको 2500 रुपये का मिल जाएगा। पाइड बर्ड्स हैं, पाइड बर्ड का भी पेयर जो है आपको मिल जाएगा 3500 रुपये का। एग्जीबिशंस के बर्ड हैं, इसमें एक मेल है और 3 फीमेल्स पड़ी हुई हैं, ये आपको 5000 ईच के लिहाज से ये बर्ड्स अवेलेबल हैं। जो भी बर्ड आप लेना चाहें 5000 रुपये का बर्ड मिल जाएगा आपको। ये कुछ क्रस्टेड बर्ड्स पड़े हुए हैं, किंग क्रस्टेड बर्ड्स हैं, फीमेल्स बहुत अच्छे क्रस्ट में हैं, मेल्स बैकफिल में भी पड़े हुए हैं। ये होगो ब्रीड में से भी हैं कुछ बर्ड्स, कुछ बर्ड नॉर्मल ब्रीड में से हैं। ये बर्ड आपको 1000 रुपये पीस मिल जाएगा। ये जी हमारे पास रिंगनेक का बॉन्डेड पेयर पड़ा हुआ है, इसी तरह हमारे पास घर में भी बहुत सारे बॉन्डेड पेयर्स पड़े हुए हैं। ये वाइल्ड पेयर्स हैं लेकिन ये 110% बॉन्डेड है, ये आपस में दाना वगैरह भी एक्सचेंज कर रहा है, रेडी टू ब्रीड है ये पेयर। ये पेयर आपको मिल जाएगा 8000 रुपये का। ठीक है दोस्तों, ये थी ज़मान बर्ड्स एंड फीड हाउस की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।